में मौजूद उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग यानी के पासीघाट पे, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हिमकुंड गैस जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो उत्तर पूर्व राज्य में भी अपने जो पैर प्रचार चुके हैं, तो इसके जो आज डिस्ट्रीब्यूटर के उद्घाटन आज किया जा रहा है पासीघाट के ओयन क्षेत्र पे, तो जिसको उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे आए हैं जेटपीसी और जेटपीएम। ईस्ट सियांग के जो जेटपीसी है वो आए हैं और उसके साथ आए हैं ओयन के जेटपीएम। मैं आपको बता दूं जो हिमकुंड जो गैस एजेंसी है यहाँ पे जो पासीघाट पे जो लिया गया है आपके टीपी गैस एजेंसी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर लिया गया है, इससे 15 जो क्षेत्र है हमारे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितने हमारे दर्शक हैं इंडियन प्राइम न्यूज के, मैं उसे बताना चाहूंगा कि हेमकुंड गैस के उद्घाटन किया गया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे। तो हमारे साथ आज मौजूद है ईस्ट सियांग के जेटपीसी हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ आए हैं हमारे जेटपीएम ओयान के ओयान क्षेत्र के। तो सर सबसे पहले सर एक सवाल है सर, यहाँ पे जो गैस की जो यहाँ पे जितनी भी जो सप्लाई किया जा रहा है पहले जो करते थे सर, तो उस पर लोगों को किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? सबसे पहले आपका इंडियन प्राइम का जितने भी दर्शक है उसको मेरे तरफ से नमस्कार। गैस का यहाँ जो सप्लाई है, क्योंकि हमारा यह लिमिटेड गैस एजेंसी से एक तो पासीघाट में है और शायद रुकसिन में है, तो अभी जो ओयान में हमने हमारा जो ये तारीख सा खुला है, तो इससे हमारा जितने भी आसपास की जितनी बस्तियां है तो उससे बहुत मतलब गैस का सप्लाई प्रॉम्प्ट सप्लाई जल्दी जितना भी जरूरत होगा उसको मैं समझता हूँ इसका आपूर्ति होगा, और ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारा स्पेशली ओयान सर्किल के लिए कि उन्होंने इतना एंटरप्राइजिंग मतलब काम किया है। ये हमारा जितना भी यहाँ के गांव के लोग हैं जो पहले ये लकड़ी जला के वो अपना चूल्हा जलाता था, अभी ये गैस एजेंसी जैसे खुला है तो मैं समझता हूँ बहुत मतलब लोगों को सुविधा होगा और सहायता होगा। जैसे कि सर अभी यहाँ पे काफी गैस की जो एजेंसी है काफी एजेंसी है, तो ये हिमकुंड जो अभी आए हैं काफी देर पे आए हैं, तो अभी ये जो कंपटीशन है कंज्यूमर पे है, तो ये किस तरह का रोल अदा कर इस पे होगा सर? तो कंपटीशन जनरली व्हेन देयर इज कंपटीशन उसमें सर्विस अच्छा रहता है, तो आई फील बिजनेस कंपटीशन में अच्छा है और कंज्यूमर्स के लिए ये मतलब सुविधा और ज्यादा होगा, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उसमें मोनोपोली कंपनी होगा। तो जहाँ ये हेमकुंड है हमने समझा कि ये तो नया कंपनी 2015 में शायद शुरू हुआ था क्या रांची में, तो उसका लेट एंट्री हालांकि थोड़ा लेट एंट्री हुआ है, लेकिन एक हमने अरुणाचल हमारा एशिया में विशेष करके कदम रखा है, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हेमकुंड ऑल्सो। और भी मैं मतलब आप लोग से ये करूँगा कि और भी हमारा एशिया के दूसरे जगह में भी जितना हो सके आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना है ताकि हमारा जितने पब्लिक है उनको ये सुविधा प्राप्त हो। सर अभी आप यहाँ के जनता के लीडर है अभी, तो जनता के सारी समस्या आपको अच्छे से ज्ञान है, तभी जो हेमकुंड जो कंपनी आपके यहाँ पे आया है, तो ये किस तरह का सर्विस आप लोगों को जनता को प्रोवाइड आगे जो होना पड़ेगा, और जैसे कि इसकी तरफ से भी आपको किस तरह का सहायता अगर सुविधा दिया जाए पब्लिक पे इस पे सर? नहीं वो सुविधा जैसे मैंने बताया कि जितने गैस का एजेंसियां डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगा उतना ही ज्यादा सुविधा तो लोगों का होगा। अभी जैसे हमारा स्पेशली मेवो में है वहाँ सिर्फ एक ही गैस एजेंसी है, लेकिन हालांकि बस्ती बहुत ज्यादा है, तो एक गैस एजेंसी मतलब जितना सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हेमकुंड से मेरा स्पेशली यही रिक्वेस्ट रहेगा, मेवो में भी अगर हो सकने से आप लोग भी एक एजेंसी वहाँ खोल लीजिए,
तो जितना जमीन होगा जो बिल्डिंग्स होगा उसके लिए तो हम लोग को ही है। तो अभी गैस देखिए, गैस अभी मतलब अभी का जो हमारा ग्लोबल का एक ट्रेंड है कि मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग, तो इसको रोकने के लिए ये गैस एजेंसी बहुत ही मतलब जरूरी है। नहीं तो लोगों का पेड़ काटना, और जैसे पेड़ काट के वो जलाते, पोल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम होता है। और हमारा अभी मतलब जितना हम लोग का गैस एजेंसी होगा उतना ही पेड़ बचेगा। एक गैस डिब्बा मेरे ख्याल से 5-6 पेड़ को बचाता है। तो दैट वे मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है हेमकुंड की ओर से, और ये प्राइवेट कंपनी हम समझता है तो इसका क्या प्रक्रिया होता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो मेरा हमारा ताई साहब से पूछ के अगर जितना भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकेगा उनको मतलब ये एस्टेब्लिश करना है, ये मेरा हम लोग से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ मैं आपको बता दूं, हेमकुंड के जो फ्रेंचाइज जो लिए हैं हमारे एआर इंटरप्राइजेस के जनरल मैनेजर हमारे बीच मौजूद है, तो मैं जनरल मैनेजर जी से सर से जानने की कोशिश करूंगा कि जो हेमकुंड है ये किस तरह का गैस है और ये किस तरह लोगों को जो हेल्प है किस तरह का किया जाएगा। सबसे पहले सबका नमस्कार। हमारा जो कंपनी जो है एआर इंटरप्राइजेस जो हेमकुंड को लेके यहाँ पे आया, तो अभी जैसा कंपटीशन मार्केट बहुत ज्यादा है तो इसीलिए सबको सुविधा और आगे अच्छा हो, इससे और अच्छा मतलब पब्लिक में काफी मतलब जो तकलीफ जो फेस कर रहा है वो काफी हद तक आगे जाए, सफल हो, तो इसी के लिए हम यहाँ ले। तो इससे जाते जाते हमारे पास जो ZPM जो ओयान क्षेत्र के भी मौजूद है, सर से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा ये ओयान क्षेत्र पे जो खोला गया है डिस्ट्रीब्यूटर सर, तो इस पे सर आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले मैं आप सबको गुड मॉर्निंग नमस्कार। जैसा आज मैं बहुत खुश है कि जो मेरा अपना होम ग्राउंड उसमें आज हेमकुंड आके हमारा पब्लिक जितना मतलब जो नीडी उसको साफ करने के लिए आया है, मैं हेमकुंड कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर होगा हमारा जितना स्थान का, जितना 15 डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें 7 जिला रह के यहाँ से जाएगा, तो हर घर में जो नीडी जो कंज्यूमर है जो हेमकुंड अच्छा सर्विस देने जा रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश है। और लास्ट में भी देखा है बहुत जैसा मेरा अभी जेपी से बताया, जैसा हम लोग फायर वगैरह चलाता था उसमें कोविड का टाइम में भी हम लोग को बहुत कष्ट मिला। अभी भी जैसा हम लोग का इंडियन है भारतीय है वो भी हम लोग सर्विस दे ही रहा है, फिर भी हेमकुंड आया और हम लोग और भी खुश है। जैसा हम लोग का जितना उसमें कंज्यूमर है सुविधा मिलेगा, हम देखा है वो भारतीय भी दे रहा है इंडियन वो भी दे रहा है, और अभी हमको उसमें देते वो हम लोग का इतना पब्लिक में रास होता है यहाँ। कोई लोग तो ड्यूटी जाने के लिए निकलता है, गैस आएगा रुकते रुकते रास्ता वगैरह में बहुत अपना ड्यूटी छूट जाता है उसमें। तो हम और मतलब आप सबको हेमकुंड कंपनी जैसा मेरा टाइम सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसका मैनेजर जो भी आपका कंपनी मेरा होम ग्राउंड से हम लोग को एस्टर्न अभी 15 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई करेगा, और हम लोग भी पब्लिक आप लोग भी साथ दीजिए और हम लोग भी साथ देगा।